तो दोस्तों, अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और इस एप्लीकेशन के थ्रू किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, और जब आप वहां पे फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे पहले उसकी जो बेनिफिशियरी पे अकाउंट है उसको अगर आपने वहां पे ऐड करके रखा हुआ है, तो उस पे लिस्ट को कैसे रिमूव कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, बेनिफिशियरी पे लिस्ट को डिलीट करने के लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पे वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि जो यू मोबाइल एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना है। आप जैसे इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले लॉगिन के प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। आप यहां पे लॉगिन का प्रोसेस दो प्रकार से कर सकते हैं। यहां पे आप पिन नंबर से कर सकते हैं और दूसरा प्रोसेस मिलेगा फिंगरप्रिंट से। मैं यहां पे यूज़ करने वाला हूं फिंगरप्रिंट। तो मैंने यहां पे फिंगरप्रिंट को यूज़ करके अपना लॉगिन का प्रोसेस को कम्प्लीट कर लिया है। देन आपको क्या करना है, अकाउंट के बगल में जो फंड ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस फंड ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फंड ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस मिलेगा। आप क्या करें कि नीचे में जो मैनेज पे वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं इस प्रकार का अब आपको यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा। तो ऐड न्यू पे पे क्लिक करके आपको जो भी यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे बनाना है नया, वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। और जो आपने बना के रखा उसको देखने के लिए पे लिस्ट पे क्लिक करें। यूनियन बैंक पे यहाँ पे क्लिक किया हुआ तो यूनियन बैंक का एक शो हो रहा है, और अगर आप यहाँ पे अदर बैंक पे क्लिक करते हैं तो अदर बैंक का जो भी आपने बेनिफिशियरी अकाउंट यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है वो टोटल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। किसी एक पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और इसका अगर आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन देखना है कौन सा अकाउंट नंबर है तो आप यहाँ पे आई पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस अकाउंट को रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिलीट वाला ऑप्शन आपको ऊपर में जो शो हो रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर यस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप सिंपली यस पे क्लिक कर दें। और यस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये अकाउंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसी प्रकार एक और मैं यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं, और सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहां पे डिलीट पे क्लिक करूंगा, देन यहां पे यस पे क्लिक करूंगा, और यस पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो ये भी अकाउंट यहां से डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप यहां पे बेनिफिशियरी जो भी अकाउंट ऐड करके रखा हुआ उसको यहां पे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।